गोली मार दे ना चाबी दिंदा अमृतसर शहर अते दिहाती खेतर विच लगातार ही लुट खो दियां वारदातां वधदियां जा रहियां ने। लुटेरियां ने भी पुलिस दी नक च दम करके रख्या होया है अते पुलिस भी इन्हां लुटेरियां नूं फड़न लई जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है। ताज़ा मामला अमृतसर दिहाती सरहदी इलाके पिलोवाल दा पक्का विखे बीती रात 6 लुटेरियां वालों एक घर च दाखिल होकर सोना ते नकदी लुट के फरार होने की खबर सामने आई है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया हरभजन सिंह पिंड पिलोवाल पक्का ने दसिया कि बीती रात 1 बजे के करीब उन्होंने घर की दीवार टप के 6 लुटेरे अंदर दाखिल होए। उन्होंने को 3 पिस्तौल, 1 दातर अते लोहे दियां वड्डियां राडा भी सन। इस संबंधी पिंड के सबका सरपंच राजविंदर राजू ने रात ही पुलिस 172वां सूचित किया तो थाना लुपोके दे SHO कपिल कौशल की अगवाई पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुँच के वापरी घटना का जायजा लिया। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। गोली मार दे ना चाबी दिंदा था नहीं कुंडिया लगिया देखो सब कुछ भज्जा है जी सारा कुछ भन्निया है उन्होंने आ देखो वे अपने दे राड़ जिहड़ा वड्डा उन्होंने नाल उन्होंने वो मतलब कह रेस दे के अंदरला लॉक तोड़िया वो इन्ना वधिया लॉक लगा आ इनू इंटर इनर लॉक कहिंदे आ लक्कड़ जिहड़ा इनर लॉक लगता जी वो आ मंग आ भी बंदे मतलब सही होने चाहिए जो मतलब कह ये आ भी वह बंदे फड़े जाने चाहिए है नहीं तो फिर इदा तो नाथी नहीं पैनी किसी भी ये तो किसी को भी होर किसी का भी नुकसान हो सकता जी नहीं मेरी पछाण च नहीं जी कोई भी आया मूँह सिर उन्होंने बन्ने आ तो 25 तो लैके 30 साल की उम्र तक के मुंडे आ सारे ही हथियार 3 उन्हों को पिस्टल है 1 उन्हों को दातर तो 1 उन्हों को राड़ है बस जेडे मैं देखे आ कद कोई 5.5 फुट तो 1 बच्चा हैगा जी भाई 5'10" 12'11" इन्ना के एक हैगा तो एक उस बंदा सरदार सी इतों दाढ़ी जिहड़ी आ आज इन्नी चीज़ ढकी सी तो आ भी ढकी सी इतों जिहड़े चिट्टे भूरे जे बाल इतों बाहर निकले सी तो उन्हें सिर ते पन्ना लपेटे तो मोहरे जूड़ा सी मतलब कहिंदा मेरे लागे नहीं आया वह इधर उधर फोला फाली करदा रहा तो उन्हें जिहड़ी LCD आ तोड़े च वह पाउण डिया उन्हें पाई सी तो वह सामने डैक आ वह भी ला लिया देखो तारां तूरां जे उदां ही टुट्टियां पईआं LCD दीआं भी तारां जी नहीं लाईआं सी ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਪਿਲਵਾ ਲੋਟੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਲਵਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਲਾਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।